सिरमौर जिला के कई इलाकों में देर रात से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस कारण इन इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि बारिश से सबसे ज्यादा पोंटा साहिब क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जहां भारी बारिश के चलते एक शख्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। वहीं डीसी सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर में बीते बुधवार रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से पोंटा साहिब, सिलाई और नाहन विधानसभा में भारी नुकसान हुआ है। बीती रात से काफ़ी टोरेंशियल रेन जिले में चल रही है, तो खासकर जो हमारा मोस्ट अफेक्टेड एरिया है, इसमें पोंटा सब डिवीज़न, नाहन सब डिवीज़न के कुछ पार्ट्स, कफोटा और शिलाई। तो हमने जितने भी हमारे DDMA के थ्रू जितने भी हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनको हमने आगाह कर दिया है और वो सारे जो इमर्जिंग ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसमें वो प्रोएक्टिवली अपना अपना काम कर रहे हैं, खासकर PWD पुलिस, होमगार्ड्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और हमारे लोकल SDMs, तीनों SDMs हमारे अभी फील्ड में हैं। तो एक अम्बोया में कोई घराट कलैप्स हो गया था, तो वहाँ पे एक आदमी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। बाकी हमारे जो गिरिबाता और यमुना रिवर्स हैं, इनका भी थोड़ा लेवल बढ़ गया था, और साथ के साथ ADM साहब और ASP साहब को भी हमने डायरेक्शन दी है कि वो भी अभी विज़िट करेंगे एरियाज़ को। और बाकी इसके अलावा जो हमारे कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। बता दें कि बारिश के चलते पोंटा साहिब क्षेत्र के कई संपर्क मार्ग भी यातायात के लिए बाधित हुए हैं, जिनकी बहाली में लोक निर्माण विभाग जुटा हुआ है। पंजाब केसरी TV के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।